हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सकैलेट में। तो यहाँ पे दोस्तों बिहार दरोगा भर्ती की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ दोस्तों आपके पीटी के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, यानी कि दोस्तों 22 दिसंबर को आपका पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ दोस्तों बता दें कि कितना नंबर ऑफ फॉर्म आपका फिल हुआ है बिहार दरोगा में। और आज हम वीडियो में ये भी जानेंगे कब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखें। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, ये दोस्तों आज का ही न्यूज़पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, दरोगा बहाली पीटी 22 दिसंबर को संभव। यहाँ पे आइए क्या है पूरे न्यूज, हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दरोगा सार्जेंट सहायक देल अधीक्षक के लिए प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। बिहार पुलिस और सेवा आयोग इसके लिए तैयारी में जुट गया है। राज्य में 36 जिलों का इस सेंटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने विशेष कार्य पदाधिकारी के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को संभावित तारीख तय की गई है। यहाँ दोस्तों राज्य में 36 जिलों में लिखित परीक्षा का सेंटर उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको बता दो कितना नंबर ऑफ यहाँ पर फॉर्म आया हुआ है बिहार दरोगा वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते 5.5 लाख आवेदन, दरोगा सार्जेंट एवं सहायक जेल अधीक्षक के लिए 2486 पदों में बहाली होनी है दरोगा के 2000। इसके लिए दोस्तों 5.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पीटी में 5.5 लाख लोग बैठेंगे और यहाँ आपका कंपटीशन है 2446 पोस्ट के लिए। तो आप दोस्तों इसी के तरह अपने हिसाब से तैयारी करके जाएं कि आपका नौकरी प्रीमियम आप जरूर से जरूर पास हो जाए। तो और यहाँ पे दोस्तों रही बात एडमिट कार्ड की, तो आपका दोस्तों 22 दिसंबर को पीटी का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों लगता है आपका एडमिट कार्ड 1 तारीख को यानी कि 1 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या दोस्तों 20 दिन या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यही आपको अपडेट देनी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी दोस्तों ऐसी पल पल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।